सलेमपुर से बीजेपी ने जब से सांसद रविंद्र कुशवाहा को फिर से टिकट दिया है तब से उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कभी एनडीए में शामिल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उनका विरोध करते हैं तो कभी जनता के विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा है। हाल ही में बड़े विरोध का सामना उनको करना पड़ा था जब ओम प्रकाश राजभर ने खुले मंच से इशारों इशारों में रविंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला बोला था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि सलेमपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी एक ही उम्मीदवार को टिकट दे रही है, यहाँ का मतदाता बीजेपी प्रत्याशी का विरोध कर रहा है। रविंद्र कुशवाहा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा था कि सत्ता में रहकर भी लोग यहाँ कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने लोगों से सवाल किया था कि 5-5 साल एमपी रहने के बाद भी लोगों ने किसी गरीब को इलाज के लिए 5,000 रुपए दिए क्या। राजभर ने जिस तरह के तेवर दिखाए थे उससे एनडीए में खलबली मच गई। जो साथी आपके बीच में आपको रोकना चाहते हैं जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या तुमने। वही कुछ दिन पहले सिकंदरपुर विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा में रविंद्र कुशवाहा का जमकर विरोध हुआ था। लोगों ने उनसे पूछा था कि 5 साल आप कहाँ थे। ग्रामीणों ने उनसे कहा था कि 5 साल तक हम सभी क्षेत्रवासी भीषण कटांग में जूझते रहे और आपको आज तक समय नहीं मिला, ऐसे में अब चुनाव के समय आपको क्या समय मिलेगा। इस सवाल पर सांसद रविंद्र कुशवाहा बगले झांकने लगे थे। 5 साल से कटान हो रहा है, 5 साल से, 5 साल से कटान हो रहा है, आज नया कटान नहीं हो रहा है और आज तक समय नहीं मिला तो अब क्या समय मिलेगा। वही एक बार फिर उनका उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में विरोध हुआ है। बता दें कि इस बार सड़क के लिए ग्रामीणों ने धरना दिया और सांसद रविंद्र कुशवाहा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते ही सांसद रविंद्र कुशवाहा को अपनी यात्रा का रूट भी बदलना पड़ा। बता दें कि ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का मुद्दा उठाया। इसको लेकर ग्रामीण सांसद रविंद्र कुशवाहा की जन आशीर्वाद यात्रा के रास्ते पर खड़े हो गए। सांसद को बुलाने की मांग पर अड़े ग्रामीणों ने यात्रा में शामिल 2 वाहनों को गांव के सामने मुख्य मार्ग पर घेर लिया और वही नारा लगाने लगे, मोदी योगी से बैर नहीं, रविंद्र कुशवाहा तुम्हारी खैर नहीं, ऐसे नारे लग रहे थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल सकी। तो जनता की सुध न लेने वाले सलेमपुर के बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा को भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। रविंद्र कुशवाहा का जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है उससे बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है और हार के संकेत दिखने लगे हैं। जरा आप भी देखिए किस तरह से रविंद्र कुशवाहा का विरोध हो रहा है। वही सोशल मीडिया पर भी इस पूरे मामले को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। प्रिया सिंह लिखती है कि बलिया में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का जबरदस्त विरोध है, एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा का खदेड़ा हुआ है, देखिए कैसे भीड़ ने बीजेपी नेता को भगाया है। इससे पहले भी नेताजी को जनता भगा चुकी है जिसका वीडियो वायरल हो चुका है। विश्वजीत लिखते हैं कि यह विरोध बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा का जनपद बलिया में ग्रामीणों ने किया। रविंद्र की गाड़ी रोक कर लगाया नारा, गाड़ी रोक कर रोड नहीं तो वोट नहीं, उत्तर प्रदेश में 40 सीट भी मुश्किल है बीजेपी की। जनता अब सब समझ चुकी है धर्म के नाम की राजनीति से कुछ भला नहीं होने वाला है। तो तमाम लोग इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।